खबर लखीमपुर खीरी के धौरारा से है, जहां ऑफिस धौरारा में बंद दरोगा के एक 19 साल की भांजी और साले के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के उपरांत वन रेंज कार्यालय को उप जिलाधिकारी द्वारा पूरी तरीके से सील कर कंटेनमेंट हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। वन रेंज ऑफिस के सभी स्टाफ कर्मचारियों व चतुर्थ श्रेणी से लेकर वन क्षेत्राधिकारी तक सभी का सैंपल जांच हेतु भेजा गया है। कुल 19 व्यक्तियों का सैंपल भेजा गया है। इसके अतिरिक्त कस्बा धौरारा में भी डोर टू डोर हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिस धौरारा में हर तरफ के आवागमन पर 48 घंटे के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उक्त पॉजिटिव पाई गई लड़की अनुष्का वर्मा, उम्र 19 वर्ष, उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति या परिवार वाले आए हैं उनकी पहचान व स्क्रीनिंग की जा रही है। सत्य प्रकाश वर्मा जो रेंज ऑफिस बंद दरोगा है उसका उनकी भांजी है। अनुष्का दिनांक 20 जून से 5 जुलाई तक धौरारा में अपने मामा के साथ रह रही थी। बंद दरोगा के साले जितेंद्र वर्मा 28 जून को लखनऊ एयरपोर्ट होते हुए धौरारा आए थे और धौरारा में 28 जून से 5 जुलाई तक रहे थे। 5 जुलाई की शाम तक अनुष्का व जितेंद्र वर्मा वन दरोगा सत्यप्रकाश सिद्धार्थ नगर स्थित अपने गांव चले गए थे। वन रेंज ऑफिस में सैनिटाइजेशन की कार्रवाई चल रही है। पूरा रेंज ऑफिस सैनिटाइज हो गया है। डोर टू डोर स्क्रीनिंग के लिए 23 टीमें काम कर रही हैं। इस दौरान मौके पर उप जिलाधिकारी के अधीक्षक कोतवाली धौरारा डॉक्टर सुभाष वर्मा, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरारा मौजूद रहे। खीरी से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।